हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स को वन शॉट के अंदर ख़त्म। वेव ऑप्टिक्स एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, ठीक है। लेकिन अगर आपने रे ऑप्टिक्स कर लिया है तो फिर आप लोगों को वेव ऑप्टिक्स मुश्किल नहीं लगेगा, आसान ही लगने वाला है, ठीक है। तो इसको करेंगे आज वन शॉट के अंदर ख़त्म। क्लास 12 फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर बेटा जी 10th है, और इससे पहले जो 9 चैप्टर हैं, मतलब फर्स्ट से लेके 9th तक जितने भी चैप्टर हैं, सबके मैंने वन शॉट अपलोड कर दिए हैं। साथ में उनके न्यू नोट्स भी अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों को कोई भी चैप्टर देखना है, किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो उस चैप्टर का नाम लिखना है और उस चैप्टर के नाम के पीछे मेरा नाम लिख देना, सुनील जांगड़ा, ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट वही वन शॉट मिल जाए और जो नोट्स मैं बता रहा हूँ वही मिले आप लोगों को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज के इस वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर को। बहुत बढ़िया, मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, एंड दी बेस्ट रहेगा ये वन शॉट आप लोगों के लिए। हाँ, जो बच्चे पहली बार देखेंगे, जिन्होंने कभी कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको मैं ये बोलूँगा कि भाई 2 या 3 बार देख लेना, जो बच्चे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख लेना, आसानी रहेगी तुम्हें, मतलब जल्दी जल्दी चैप्टर भी हो जाएगा और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा बेटा, ठीक है। अच्छा, इसके जो नोट्स हैं बेटा वो मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, सुनील जंगड़ा सर के नाम से है। अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप लोग सुनील जंगड़ा 26 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, बहुत जल्द मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। चलो यार, बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों का, स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स को। तो बेटा जी, वेव ऑप्टिक्स हमारा चैप्टर है, इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि वेव ऑप्टिक्स क्या होती है। तो जैसे कि हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ी थी, तो उसके अंदर हम रेज से डील कर रहे थे। वेव ऑप्टिक्स क्या है? वेव ऑप्टिक्स डिस्क्राइब करेगी कनेक्शन किस किस के बीच में, वेव्स एंड रे ऑफ लाइट के बीच में, क्योंकि वहां पर हमने पढ़ा था कि लाइट एज ए रे है, ठीक है। यहां हम पढ़ेंगे लाइट एज ए वेव की तरह बिहेव करते हैं, मतलब उनका रिलेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो इट इज द कनेक्शन बिटवीन वेव एंड रे ऑफ लाइट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो लाइट होती है वो क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जो कैसे ट्रेवल करती है, विच ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव, मतलब मीडियम में ये ट्रेवल करती है और किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, मतलब यहां से तुम्हें ये पता लग रहा है कि लाइट की फॉर्म क्या होती है। ओके, तो लाइट की फॉर्म क्या होती है बेटा? ट्रांसवर्स होती है। क्या होती है? ट्रांसवर्स होती है। ओके, द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, मतलब जिस तरीके का मीडियम है उसके अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज होती रहेगी, उसके अकॉर्डिंग चलती रहेगी। ये चीज ऑलरेडी हम रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ चुके थे, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में जिसमें हमने क्या पढ़ा था, रेरर पढ़ा था, रेरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम पढ़ा था कि क्या होता है वो। ओके, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वाली वीडियो के अंदर। आई होप कि वेव ऑप्टिक्स क्या होती है वो आप लोगों को पता लग गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। देखो, मैंने तुम्हें ये बोला है कि एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, मेरे नोट से पढ़ रहे हो, तो आपको एनसीईआरटी से थ्योरी नहीं पढ़नी है। ध्यान से सुनना कि थ्योरी नहीं पढ़नी है, मतलब उसकी एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी निचोड़ कराऊंगा, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लाइनों को अंडरमार्क कर लूंगा, ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे उनको, ठीक है। तो न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी आई लाइट के लिए, मतलब इन्होंने लाइट के नेचर के बारे में बताया। क्या थी बेटा? 1675 में ये थ्योरी दी गई न्यूटन जी के द्वारा। क्या बोला इन्होंने कि जो लाइट है वो किससे बनी होती है? हाँ जी, जो लाइट है वो किससे बनी होती है? लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स। ध्यान से सुनना कि जो लाइट है वो टाइनी पार्टिकल से बनी होती है, और ये क्या बोलते हैं इनको? कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, विच आर एमिटेड बाय ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब जो रेडिएशन निकाल रहे होते हैं, ठीक है, जैसे सन हो गया, इस तरीके की चीजें। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल, जिनको हम कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या थी बेटा? दूसरी थी, ये जो कॉर्पस्कल्स होते हैं ये ट्रैवल करते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कॉर्पस्कल्स की अगर कोई तुमसे स्पीड पूछे तो वो क्या होगी? तो वो स्पीड ऑफ लाइट की तरह ही होगी और हर एक डायरेक्शन में होगी, इन ऑल डायरेक्शन। नेक्स्ट है, द कॉर्पस्कल्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम विद देम, वो अपने साथ, मतलब जो हमने बोला ना लाइट किससे बनी है, टाइनी पार्टिकल से बनी है, जिनको हम कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, तो ये जो कॉर्पस्कल्स हैं ये अपने साथ एनर्जी एंड मोमेंटम को कैरी करते हैं। और ध्यान से सुनना, और जब ये टकराते हैं, व्हेन दे स्ट्राइक रेटिना ऑफ द आई दे प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन, मतलब जब ये रेटिना होता है जो हमारी आंख का, उस पर टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो देखने की सेंसेशन आ जाती है, सेंसेशन, ठीक है, सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब एक तरह से हम देख पाते हैं, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा जी, कॉर्पस्कल्स
ऑफ डिफरेंट कलर आर डिफरेंट साइजेस, मतलब कॉर्पस्कल्स है ना जो टाइनी पार्टिकल्स है, ये अलग अलग कलर के होंगे, और जो अलग अलग कलर के होंगे ना तो उनके साइज भी अलग अलग होंगे, डिफरेंट, मतलब कोई बिल्कुल छोटा, कोई थोड़ा सा उससे छोटा, कोई उससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब इस तरीके से होते तो छोटे ही हैं, ठीक है। और इन्होंने बता भी दिया है, इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया कि जो रेड कलर्ड होता है कॉर्पस्कल्स का, वो क्या होता है, लार्जर होता है किससे, ब्लू कलर से, किससे लार्जर होता है, किससे, ब्लू कलर से। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है बेटा जी क्या, दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन, रिफ्रेक्शन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। मतलब कोई तुमसे ये पूछने लग जाए कि जो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी थी न्यूटन की, उसने क्या क्या एक्सप्लेन किया, तो तुम बोलोगे कि उन्होंने, भाई साहब तो नहीं बोल सकते, हमसे बहुत बड़े हैं, तो उन्होंने किस चीज को एक्सप्लेन किया बेटा, रिफ्लेक्शन को, रिफ्रेक्शन को एंड रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट को उन्होंने बताया। अभी हम पढ़ के आए थे कि जो लाइट है वो तो ट्रांसवर्स होती है, ये आगे की थ्योरीज में हमें पता लगा, तो ध्यान से सुनते रहो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वो आप लोगों के पास, द कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, मतलब इन्होंने इंटरफेरेंस नहीं बताया हमें, इन्होंने इंटरफेरेंस नहीं बताया, ना ही डिफ्रेक्शन बताया और ना ही पोलराइजेशन ऑफ लाइट बताया। अभी तक जितनी बातें इन्होंने बोली वो लगभग लगभग हमें सही लग रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो वाली बात हो गई है। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट पॉइंट जो इन्होंने बोला वो थोड़ा सा मतलब दुनिया की जो मतलब माइंड है उसको सटका गया। इन्होंने क्या बोला, मतलब जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, दुनिया नहीं, दुनिया को तो क्या लेना है, जब साइंटिस्ट हैं तो वही बताएंगे ना क्या क्या कुछ थ्योरीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, इन्होंने बोला कि डेंसर मीडियम के अंदर क्या होती है, स्पीड इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ए रेयरर मीडियम। ये बात यहाँ पे गलत होगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में तो स्पीड जो होती है वो कैसी होती है, डेंसर मीडियम में स्पीड जो होती है वो लेस होती है, कैसी होती है बेटा, लेस होती है, लेकिन इन्होंने तो ये बोल दिया कि लेस नहीं होती, ज्यादा होती है, तो यहां पे ये फंस गए। बट ये चीज गलत होने के बावजूद भी चलती रही कई बार, क्यों चलती रही, क्योंकि इनकी खुद की एक बहुत बड़ा नाम था, न्यूटन कोई छोटे साइंटिस्ट नहीं थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो इसलिए इनका नाम चलता रहा, तो इस वजह से इस चीज को मानते गए। लेकिन उसके बाद 1678 में, 1678 में कौन आ गए, भी हाइगन आ गए, तो इन्होंने अपनी थ्योरी दी, इन्होंने क्या बोला कि लाइट जो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, कि वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि दीज वेव ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी बात उन्हीं की तरह बोल दी, ठीक है, अच्छी लगी हमें भी। नेक्स्ट थर्ड इन्होंने क्या बोला, द वेव्स ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ, इन्होंने बोला कि जो डिफरेंट कलर की लाइट है ना उसकी डिफरेंट वेवलेंथ होगी, ना कि साइज, इन्होंने वेवलेंथ की फॉर्म में बताया, ठीक है। चलो तो बेटा कई बच्चे ये बोलेंगे कि ये क्या चीज है सर, बेटा ये थ्योरी है जो प्रूव्ड हुई है, तो इसलिए हम उन्हें पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोला, देखो इनिशियली होता क्या है, लाइट वेव्स वर अज्यूम्ड टू बी लॉन्गिट्यूडनल, जैसे कि अभी न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी थी उसके अंदर भी बताया गया था कि जो लाइट होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, बट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन, जब पोलराइजेशन का एक्सप्लेनेशन हुई तो पता लगा कि जो लाइट वेव है वो क्या है, वो तो एक ट्रांसवर्स वेव है, वो कैसे है, ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव समझते हो ना, जैसे ईएम वेव, तो लाइट को हम एक तरह से ईएम वेव ही बोल रहे होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं और एक दूसरे के आड़े होते हैं, आड़े मतलब ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर होते हैं, एक ऐसे चल रहा है और एक ऐसे चल रहा है, मतलब इस तरीके से हम बोलेंगे इसको, वो मैं ईएम वेव की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है कि हाइगन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इंटरफेयर, अरे कुड नॉट नहीं, इन्होंने एक्सप्लेन किया था, मतलब आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, हाइगन थ्योरी कुड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, बट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटेंस इफेक्ट। समझो ध्यान से, इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन को भी किया, रिफ्रेक्शन को भी किया, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, सबको किया, लेकिन ड्यूल नेचर में जो हम पढ़ेंगे ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कल ही वन शॉट मिल जाएगा, तो उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटेंस इफेक्ट उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, वेव थ्योरी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट, मतलब वेव थ्योरी से हमें क्या पता लगा, एक वेव फ्रंट हमें पता लगी, क्या पता लगी, वेव फ्रंट हमें पता लगी, समझ रहे हो चीजों को, ठीक है। अच्छा कुछ एक नोट यहाँ पे पूछा गया, इन्होंने बोल दिया ना कि भाई
जो लाइट है वो मीडियम के साथ ट्रेवल कर रही है, तो इन्होंने बोला कि सन से जब लाइट आती है अर्थ तक आती है तो वहां पे तो कोई मीडियम नहीं होता, तो फिर क्या हुआ भाई? तो भाई 1850 में फोकाल्ट आए, उन्होंने बताया द होल यूनिवर्स विद ऑल मैटर एंड स्पेस इज फिल्ड विद ए ल्यूमिनिफेरस मीडियम एंड कॉल्ड इथर, मतलब एक इथर मीडियम से भरा हुआ है, मतलब ये इतना ऐसा होता है कि इसकी डेंसिटी बड़ी लो और वेरी हाई इलास्टिसिटी का, मतलब ये हमें फील नहीं होता कि हमारे आगे थपेड़े नहीं मारता। मान लो कोई भारी चीज़ है और वातावरण में एनवायरनमेंट में घूम रही है, फिर तो तुम्हें थपेड़े लगेंगे ना, समझ रहे हो चीज़ों को? चलो, तो आई होप कि अभी तक हमने जो पढ़ा है पिछले 10 मिनट से वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत जी जान से ज़्यादा मेहनत करी जा रही है, दिन के मतलब सुबह 5 बजते हैं और रात के 11, 12, 2 बज जाते हैं, तब तक नोट्स बनते रहते हैं, क्या वीडियो देनी है बच्चों को, क्या कंटेंट देना, सिर्फ मेहनत करो, मेरे साथ करो, मैं औरों की गारंटी नहीं लेता हूँ, ठीक है? मेरे साथ मेहनत करो, 35 में से 35 मैं दिलवाऊंगा तुम्हें, ठीक है? एंड शेयर करो चैनल को, सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करो फटाफट से। चलो नेक्स्ट आता है बेटा जी वेव फ्रंट क्या होता है। अच्छा, वाटर है, ठीक है, वाटर है भाई, वाटर अभी खड़ा पानी है, स्टिल वाटर है। उदास हो तुम और क्या कर रहे हो? यहाँ पे एक स्टोन तुमने फेंक दिया, छोटा सा पत्थर फेंक दिया, कोई बजरी फेंक दी। अब क्या होगा, हमें क्या दिखता है कि इस तरीके की शेप दिखती है, ये सर्कुलर शेप दिखती है, बट ये सर्कुलर शेप ही क्या कहलाती है, ये वेव फ्रंट कहलाती है। ये क्या कहलाती है? वेव फ्रंट कहलाती है। होगा क्या कि इनसे वेव निकलेंगी, इनसे वेव निकलेंगी, इनसे वेव निकलेंगी, इनसे वेव निकलेंगी, ठीक है, इसी तरीके से इनसे वेव निकलेंगी। तो इन वेव के अंदर क्या होता है भाई, पार्टिकल्स होते हैं। तो जो पार्टिकल, मान लो ये वाले पार्टिकल्स हैं, ये वाले, ये सारे के सारे फेस में हैं, सेम फेस में, तो इनको मिलाने से हमें क्या मिल जाता है, इनको मिलाने से हमें मिल जाता है वेव फ्रंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? वेव फ्रंट मिल जाता है। आई होप समझ में आया, तो डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। वेव फ्रंट क्या है? ए वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूस लोकस, मतलब लगातार जो पॉइंट्स चल रहे हैं, कॉन्टिन्यूस लोकस मतलब एक तरह से मिलाना, ऑल द पार्टिकल ऑफ ए मीडियम, ये कोई एक मीडियम है, वॉटर एक मीडियम है ना, तो इस मीडियम के पार्टिकल जो क्या कर रहे हैं, विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, ठीक है, क्या हो रहे हैं ये, विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, मतलब सेम फेज में ये वाइब्रेट कर रहे हैं। तो भी हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स भी होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट कितने हैं बेटा जी? 3 है, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, एक सिलेंड्रिकल और एक प्लेन वेव फ्रंट होता है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन क्या चीज है, इनको एक बार समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होगा, जिसमें जो सोर्स है ना, जिससे लाइट निकले, वो एक पॉइंट की तरह हो। व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज ए पॉइंट सोर्स, मतलब कोई एक बल्ब है और उससे लाइट निकल रही है, ठीक है, मान लो एक बल्ब है, इस बल्ब से रेज निकल रही है, तो इन रेज को के ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे, जो सेम फेस में होंगे इन ऑल डायरेक्शन, उनको हम मीट कर देंगे और उसको बोलेंगे क्या, स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसको क्या बोलेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलने वाले हैं। तो ये रहा आप लोगों के पास स्फेरिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास क्या, किसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो किस तरीके से गिवन होता है, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो खत्म होता जाएगा, खत्म इन द सेंस आप लोग बोल सकते हो कि डिक्रीज होता जाएगा जी, क्या कह सकते हो कि डिक्रीज होता जाएगा। अच्छा, इंटेंसिटी के बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का मतलब है कि जो आपकी लाइट है, मतलब वहां पे कैसी हो, ज्यादा हो, मतलब एक तरह से ब्राइट आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, मतलब मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं पे ये मिनिमम भी हो सकती है, कहीं पे ये मिनिमम भी हो सकती है, जिसको हम क्या बोल देंगे, जिसको हम डार्क बोल देंगे। तो इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी, बट स्केयर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है? तो इस चीज को याद कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। अच्छा, इसके जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको उसका लिंक, और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो उसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल मतलब ट्यूब होती है ना हमारे पास, ट्यूब, तो ट्यूब मतलब जिसमें आप लोगों के पास जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कैसा हो, एक लीनियर फॉर्म में हो, लेंथ की फॉर्म में हो, ठीक है। व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर द वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल, तो इसमें इंटेंसिटी सेम रहेगी लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, 1/√r होगा। r मतलब इससे जितना दूर जा रहे हैं,
इससे जितना दूर जा रहे हैं उसका अंडर रूट। इनकी डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, सो दैट्स वाई वी आर हेयर राइटिंग ओनली फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है? व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज वेरी फार ऑफ, देखो ध्यान से सुनो, मतलब सोर्स ऑफ लाइट वेरी फार ऑफ मतलब कौन सा हो सकता है भाई? दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या तो पॉइंट हो सकता है या लीनियर हो सकता है। जब इनसे लाइट रेज बहुत दूर तक चली जाती हैं, बहुत दूर तक चली जाती हैं, तो आगे जाके वो कैसी वेव फ्रंट बनाती हैं? प्लेन वेव फ्रंट बनाती हैं। कैसी वेव फ्रंट बनाती हैं? प्लेन वेव फ्रंट बनाती है। तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के बीच का जो रिलेशन है वो एक बार ढंग से पढ़ लेना आप यहाँ पे, ठीक है। ये रिलेशन सिर्फ एक बार काम आएंगे कि कितना इंटेंसिटी होती है, ये सब चीजें, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन तुम्हें आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आता बेटा जी हाइगन्स प्रिंसिपल, जिन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी थी, मतलब इन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो वैसे तो 1850 में फुकाल्ट जी जो आए थे उन्होंने इस चीज को करके भी दिखाया था। तो सुनो भाई ध्यान से, यहां पर हम एक वेव फ्रंट ले रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इनिशियल वेव फ्रंट बोल रहे हैं। और इस इनिशियल वेव फ्रंट के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये और ये जो पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि हाइगन प्रिंसिपल यही चीज हमें समझाता है कि जो वेव फ्रंट है वो बनता कैसे है। एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट, जिनको हम प्राइमरी वेव फ्रंट बोलते हैं या इनिशियल वेव फ्रंट बोलते हैं, एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। मतलब जो ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये क्या है? प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये है हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट। और इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर ये सब चीजें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको सेकेंडरी नाम दिया गया। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? द सेकेंडरी वेवलेट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, मतलब ये हर एक डायरेक्शन में चलेंगे, हर एक डायरेक्शन में ये चलेंगे। तो हम क्या करेंगे? जो इनका स्फीयर होगा, मान लो ये एक पॉइंट है, इससे लाइट इधर भी जा रही है इधर भी, तो एक स्फीयर बनेगा ना तीनों चारों साइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ए सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली, मतलब जो सरफेस हम बना रहे हैं जो कि हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं, उनको कोई लाइन हम टच करवा रहे हैं जो कि टेंजेंशियली होगी, मतलब ये जो हर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इनके साथ ये लाइन बना दी, तो इसी को बोला जाता है क्या? न्यू वेव फ्रंट या सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बोला जाता है इसको? न्यू वेव फ्रंट या सेकेंडरी वेव फ्रंट बोला जाता है, इनको बोला जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। ओके, सो आई होप कि अभी तक हाइगन प्रिंसिपल के अंदर जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी तुम्हें समझ में आ गई हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि हम चीजों को आसान करके पढ़ रहे हैं, मतलब मुश्किल नहीं कर रहे हैं, आसान करके पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए बढ़िया वाले कलरफुल नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। इनको डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बार बता रहे हो सर, बेटा कोई बच्चा ऐसा ना होना हो बार बार कमेंट करे सर नोट्स दे दो नोट्स दे दो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टेलीग्राम चैनल दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट, मतलब अब हम क्या करेंगे? रिफ्रैक्शन को समझेंगे, किसके अकॉर्डिंग समझेंगे? हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग समझेंगे। वैसे तो हमें पता है कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, हमें पता है कि जो म्यू होता है वो साइन आई बाय साइन आर होता है, मतलब स्नेल्स लॉ को हमें यहाँ पे प्रूव करना है। किसको प्रूव करना है? स्नेल्स लॉ को हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो एक बार देख लेते हैं इसको, सुनो अब ध्यान से भाई, यहाँ पे क्या है? ये एक रेरर मीडियम है, ठीक है, और ये क्या है? ये एक डेंसर मीडियम है। ये कौन है बेटा जी? ये एक डेंसर मीडियम है। ओके, समझ में आ रही है इतनी चीजें? एक रेरर मीडियम है और दूसरा इज डेंसर मीडियम, ठीक है। अब देखो यहां से रे जब आई तो यहाँ पे एक नॉर्मल हम बनाएंगे, यस बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से एक रे आई तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनाना चाहिए, बना देते हैं, बट यूज नहीं है अभी उसका, उसका हमें यूज नहीं चाहिए, ठीक है। चलो इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी आई होप। ओके चलो यहाँ पे देखो अब हुआ क्या, मान लो इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, मान लो ये वाला जो पार्टिकल है ये वेव फ्रंट कैसे बनता है भाई? हम उस पार्टिकल से क्या करते हैं? हम उस पार्टिकल से एक सर्कल बना लेते हैं, जैसे कि हमने देखा ना यहाँ बनाया, यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया ना, क्यों बनाया? क्योंकि हर एक डायरेक्शन में ये पार्टिकल जा रहे हैं, वेवलेट्स जा रहे हैं, तो इनके ऊपर हमने एक सरफेस बना लिया, टेंजेंट बना लिया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ कि ये जो है इसको हमने आगे की तरफ एक आर्क लगाई, क्योंकि रिफ्रैक्शन होना है तो ये किसकी तरफ जाएगी? नॉर्मल की तरफ जाएगी, यस, तो ये होगी इधर। बट हमें तो लाइट नहीं पड़नी ना, वेव पड़नी है। अब हुआ क्या भाई, इसके सामने
मतलब जो सेम फेस में होगा वही तो पार्टिकल चाहिएगा हमें, यस। तो मतलब यहाँ पे हम एक पार्टिकल मान लेते हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जितना टाइम या डिस्टेंस ये पार्टिकल ने ट्रेवल करा, शायद ये उतना हो, बट ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे तो स्पीड कुछ और हो सकती है, यहाँ पे कुछ और हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये बोल देते हैं कि भाई यहाँ से जो सामने वाला होता है उसको मीट करने से ही तो हमारे पास क्या आएगा, वेव फ्रंट आएगा। तो इसी को बोलते हैं हम इंसिडेंट वेव फ्रंट। आई होप पता लग गया होगा। अब ये इंसिडेंट वेव फ्रंट आया, अब यहाँ पे ये पार्टिकल चला यहाँ से और यहाँ पे पहुँच गया। मतलब जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, ये पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक की अपनी उड़ान भर ली। जब ये उड़ान भरी तो हमने इसको भी मीट कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बन गया। समझ में आया? चलो, आई होप कि ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद क्या है कि भाई मान लो फर्स्ट मीडियम जो उसमें जो स्पीड है वो V1 है, दूसरे मीडियम में जो स्पीड है वो V2 है, और टाइम है दोनों के लिए सेम रख लेता हूँ। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टाइम सेम लेता है और ये यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम सेम लेता है। मतलब ये पार्टिकल यहाँ तक पहुँचने में डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है वो सेम टाइम में कवर करता है जितना ये पार्टिकल करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस डिस्टेंस को कैसे लिख सकता हूँ, मतलब BC को कैसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब V1 इंटू टाउ कर सकता हूँ, और इधर V2 इंटू टाउ कर सकता हूँ। ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो वही लिखा हमने V1 और टाउ। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना, मतलब स्नेल्स लॉ को प्रूव करना। किसको प्रूव करना है? स्नेल्स लॉ को प्रूव करना। तो स्नेल्स लॉ को कैसे करेंगे, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? साइन आई बाय साइन आर से हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग भी लिख लेते हैं। तो साइन को कैसे लिखेंगे भाई, देखो ये एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो ये इंटरफेस के साथ एंगल बनाएगा, तो इसको हमने बोला आई एंगल, और ये यहाँ से अब रिफ्रैक्ट हो गया है तो यहाँ पे एक एंगल बना रहा है जिसको हमने R बोला। ये परपेंडिकुलर ही होगा, ये कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो अगर मुझे साइन निकालना है तो मैं कहाँ से निकालूंगा, साइन आई तो मैं यहाँ से निकालूंगा। मतलब ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, ये एंगल है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, हाइपोटेनस। तो मैंने वही किया, रुको, साइन अगर निकालना तो परपेंडिकुलर V1 टाउ और नीचे हाइपोटेनस, तो ये हो गया। सिमिलरली मैं नीचे से यूज कर लूंगा किसको, साइन आर को। तो अभी तक मैंने क्या किया, साइन और साइन आर को निकाल लिया और उनको डिवाइड करके ये लिख दिया, जो कि मेरे पास आ रहा है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2। बट साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होना चाहिए ना, जो कि कितना होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोला जाएगा, ये प्लस सी और नीचे वी होता है, या ऊपर V1 V2 होगा, मतलब एक मीडियम में स्पीड से दूसरे मीडियम में स्पीड, क्योंकि हमने यहाँ पे V1 ही मानी है ना स्पीड, तो ओके। चलो, तो इन दोनों को डिवाइड करा और हमारे पास ये मिल चुका है। अब अगर देखो, अगर मैं C को रिप्रेजेंट करूँ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो मैं N1 को कैसे लिख सकता हूँ, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो N1 को मैं लिख सकता हूँ C/V1 से, और N2 को लिख सकता हूँ C/V2 से। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यही होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट ऊपर, नीचे मीडियम में लाइट, तो मीडियम में हमने V1 मानी है, नीचे V2 मानी है मीडियम में दूसरे में, तो ये हमने लिख लिया। अब मैंने N2/N1 किया तो मुझे क्या मिल रहा है, V1/V2 मिल रहा है। अब ये जो V1/V2 है ये यहाँ पे भी है, तो इक्वेट कर दो, तो इक्वेट करने पर मुझे मिल रहा है ये, जो कि क्या है, जो कि प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ है। क्या है ये, स्नेल्स लॉ का प्रूफ है। आई होप समझ में आया होगा रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। बढ़िया वाला आप लोगों को वन शॉट करवाया जा रहा है, मस्त मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ के, ठीक है, बस मेहनत करनी है मेरे साथ, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाय ए प्लेन सरफेस। मतलब अब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होगा, सिंपल है कि यहाँ पे हमने इंटरफेस लिया, ठीक है, ये एक पॉलिश्ड एरिया है इसका, ये कौन है इसका, पॉलिश्ड पोर्शन, ये कौन है इसका, पॉलिश्ड पोर्शन है ये, ठीक है, पॉलिश्ड पोर्शन। और ये क्या है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, क्या हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, और उतने ही एंगल पे ये रिफ्रैक्ट हो रही रिफ्लेक्ट हो रही है, इतनी होगी ना, यस। तो अभी एक बार देखो, जब मैं यहाँ से एक पॉइंट लेता हूँ, अब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो पॉइंट्स ऊपर की तरफ ही जाएंगे ना, मतलब वेवलेट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ ही जाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क बनाई, यस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मतलब ये वाला जो पार्टिकल है, जब ये यहाँ पहुँचा तब तक इसके सामने वाला पार्टिकल वो यहीं तक ही पहुंचा था, ठीक है। तो इसलिए हमने प्लेन वेव फ्रंट यहाँ से ही बनाना है, ऐसे। समझ में आया या नहीं आया? सो इट इज़ व्हाट, इट इज़
रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड इट इज व्हाट इट इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये कौन है? इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, क्योंकि रिफ्लेक्ट वाली रेस के ऊपर बना रहे हैं ना बेटा। देखो यहाँ तो क्या है, इस पॉइंट को मिला रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, एक आर्क लगाएंगे तो ये वाला इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ। अब ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा? मतलब देखो क्या होगा कि ऐसे एक लाइट वेव आई और यहाँ से ऐसे वापस चली गई, ठीक है, तो इसको आई बोलेंगे और इसको आर बोलेंगे, क्योंकि इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ एंगल होगा आई और रिफ्लेक्टेड के साथ होगा आर। अच्छा, अब एक चीज ध्यान में देखना कि भाई जब पार्टिकल कहाँ से कहाँ चला, बी से सी चला, तो स्पीड कितनी है? हमने कुछ भी स्पीड मान ली, वी मान लो या सी मान लो, आपकी मर्जी, क्योंकि सेम मीडियम से सेम मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि जो बी सी है, मतलब ये वाला जो टाइम है, ये वी टाउ है, मतलब टाइम नहीं डिस्टेंस, क्योंकि टाउ जो हमने वो टाइम ले लिया। और हमने एक ट्रेंगल लिया ये, और एक ट्रेंगल लिया हमने ये, इन ट्रेंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए ना तो आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा, और आई इज इक्वल टू अगर आर हो गया, आई इज इक्वल टू अगर आर हो गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन जो है वो प्रूव्ड हो जाएगा, रिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। इतनी चीज तो समझ में आ गई, ठीक है, अगर आई जो है वो आर के इक्वल हो गया। तो बेटा देखो, इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल की अगर हम बात करें तो ये तो कॉमन है दोनों में, तो ए सी कॉमन होगा, ठीक है, ये बी सी और ये ए सी, ये सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि सेम मीडियम में है, टाइम सेम ले रहे हैं, तो स्पीड सेम है, टाइम सेम है, तो इसलिए डिस्टेंस जो कवर्ड होगा वो भी सेम होगा, तो इसलिए ये इक्वल हो गया। तो एक तो चीज़ ये कॉमन हो गई, ऊपर से ये इक्वल हो गए, और ऊपर से ये 90 डिग्री है, ये क्या है? 90 डिग्री, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट मतलब आई इज इक्वल टू आर हो गया, कॉन्ग्रुएंट मतलब आई इज इक्वल टू आर हो गया, ओके। चलो, तो ये हुआ आप लोगों के पास आइगन प्रिंसिपल कंप्लीट। मतलब इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया? हाइगन प्रिंसिपल पढ़ लिया, उसकी थ्योरी पढ़ ली, साथ में मतलब रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब एक तरह से सुपरपोजिशन में पता क्या होता है, मान लो दो वेव चल रही है, एक इधर से वेव आ रही है, एक और वेव आ रही है, अब एक पॉइंट पर जाके ना दोनों मिल जाएंगे, तो दोनों जब मिलेंगे ना तो जो ऐसे समझो, मान लो एक पॉइंट है, यहां से वेव आई, ये इसको ऊपर नीचे कर रही है, मेन पोजीशन पे ऊपर नीचे कर रही है, चाहे आगे ले गई बट ऊपर नीचे कर रही है, ठीक है। फिर इससे वेव आई, ये इसको ऊपर नीचे कर रही है, मतलब इन दोनों सोर्स से जो वेव आ रही है वो अगर इकट्ठी इसको ऊपर नीचे कर रही है, तो जो नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी? तो वो होगी बेटा वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू होगी। कितनी होगी? वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू होगी। कितनी? y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू होगी। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, y y1 प्लस y2, ओके। चल, तो ये होता है बेटा आप लोगों के पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब एक तरह से अगर हम देखें सुपरपोजिशन में क्या होता है, एडिशन हो रही होती है। वो डिपेंड करेगा कि सेम फेस में ऐड हो रहे हैं तो क्या होगा, अपोजिट फेस में ऐड हो रहे हैं तो क्या होगा, वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आई होप कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आ गया होगा। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जितना हम लोगों को एनसीईआरटी कहेगी, हाँ जी, जितना हमें एनसीईआरटी कहेगी हम उतना ही करेंगे, हम उतना ही करेंगे, ओके। चलो, तो एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। व्हेन टू वेव्स फ्रॉम एस वन एंड एस टू मीट एट सम पॉइंट, मतलब अगर यहां से वेव चली, मान लो इससे वेव जो निकल रही है वो वाई वन है और इससे वेव जो निकल रही है वो वाई टू है, तो नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो वाई वन प्लस वाई टू होगी मेन पोजिशन पर। मेन पोजिशन मतलब एक कॉमन पोजीशन होगी जिससे वो ऊपर और नीचे हो रहा होगा, ये मीन पोजीशन होता है। ये क्या होता है? मीन पोजीशन होता है, ओके। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। ज्यादा बड़ा वन शॉट नहीं होगा ये, ठीक है, मतलब डेढ़ घंटे से कम में खत्म हो जाएगा ये वन शॉट। नेक्स्ट आ जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और ये चीजें अगर आ रही हैं तो इसका मतलब टॉपिक बहुत कम ही है, क्योंकि इसके बाद वाई डी एस सी आएगा और उसके बाद डिफ्रेक्शन, तो जल्दी हो जाएगा खत्म। सुनो ध्यान से, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होगा? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब क्या है? व्हेन टू लाइट वेव ऑफ सिमिलर फ्रिक्वेंसी हैविंग ए जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंट प्रोपागेट इन ए मीडियम साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन देन ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन मैक्सिमम इंटेंसिटी। अरे सिंपल सी भाषा में समझते हैं, इन्होंने बोला कि जब लाइट, दो लाइट आ रही है जिनकी सिमिलर फ्रिक्वेंसी है, सिमिलर फ्रिक्वेंसी का मतलब या तो उनके बीच में जो फेस होगा वो जीरो होगा या कांस्टेंट फेस होगा, ठीक है, मतलब दो सोर्स हैं उनसे लाइट निकल रही है,
और दोनों सोर्स से जो लाइट निकल रही है वो सेम फ्रिक्वेंसी की है, मतलब अगर उनके बीच में कोई गैप है सेम फेस का, मतलब वो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए या जीरो होना चाहिए, ठीक है, और साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, देन ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन, मतलब सुपरपोजिशन क्या होता है, मिलना, मिक्स हो जाना, तो उसके सुपरपोजिशन होने की वजह से अब हमें क्या मिलेगा कि कई जगह तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल जाएगी, ठीक है, कई जगह हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल जाएगी, देन ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन एट फ्यू पॉइंट एंड मिनिमम इंटेंसिटी एट फ्यू पॉइंट्स, मतलब कुछ पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक है, कुछ पे क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी मिलने वाली है, समझ में आया। तो इस फिनोमिना को मतलब मिलने के बाद आप लोगों को देखो, जब रेज मिल रही हैं, वेव्स मिल रही हैं, तो क्या हो रहा है, इंटेंसिटी या तो ज़्यादा होगी या मिनिमम होगी, मतलब कम होगी वो, तो आप ये बोल सकते हो या तो ब्राइट होगा या डार्क होगा। तो इन दोनों केस में हुआ क्या कि मिलने के बाद दोबारा से एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इसी को बोलते हैं दिस फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दिस फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव, मतलब सुपरपोजिशन के फिनोमिना में, मतलब उसी को यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि मिक्स हो रही है, मिक्स होने के बाद मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी मिल सकती है, तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है बेटा जी, इसे बोला जाता है, एक मिनट रुकिएगा, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोला जाता है। अच्छा, इंटरफेरेंस दो तरीके के होते हैं, क्यों, अरे भाई जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है वो अलग इंटरफेरेंस होगा और जहाँ पे मिनिमम मिल रही है वो अलग होगा। तो सुनो ध्यान से, व्हेन टू वेव मीट इन सेम फेस, मतलब देखो एक वेव ये रही और एक वेव ये रही, ये दोनों सब सेम फेस में मिल रहे, सेम मतलब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ जाए, क्रस्ट प्लस क्रस्ट और ट्रफ प्लस ट्रफ आ जाए, ट्रफ प्लस ट्रफ आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमें मतलब देखो पॉजिटिव में पॉजिटिव हो रहा, तो एडिशन हो रही है ना, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, तो वो कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब जब लाइट जो होती है, टू वेव जो होती हैं, मतलब किसी दो सोर्स से निकल रही हैं, जिनको हम कोहरेंट बोलते हैं, कोहरेंट क्या होता है उसको भी समझेंगे, तो उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव जहाँ पे उल्टे होंगे, उल्टे मतलब अपोजिट फेस में हो जाए, अपोजिट फेस का मतलब जो इंटेंसिटी है, हाँ जी, जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, इंटेंसिटी कैसी हो जाए, मिनिमम हो जाए, उसको बोलते हैं। व्हेन टू वेव मीट इन अपोजिट फेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो रिजल्टेंट ऊपर मिल रही है क्योंकि ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का, तो यहाँ पे मिनिमम है, तो ये एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली मिल रही है। अच्छा, ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, मान लो ये ऊपर वाली 7 है और नीचे वाली -6 है, तो वो थोड़ी सी यहाँ पे मिलती, फिर तुम्हें कहाँ पे मिलती, वो यहाँ पे मिलती, क्योंकि वो प्लस की वैल्यू होती ना, समझे। चलो, तो इंटरफेरेंस समझ में आ गया होगा, कंस्ट्रक्टिव समझ में आ गया होगा और डिस्ट्रक्टिव समझ में आ गया, मतलब अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी डेरिवेशन करनी है, तो डेरिवेशन को एक बार समझ लेते हैं ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। अब एक्सप्रेशन करने वाले हैं, ठीक है, क्या करने वाले हैं एक्सप्रेशन, तब तक तुम रिवाइज करो, मैं थोड़ा सा चाय पी लूं जल्दी से, अरे बहुत गर्म है। चलो, अब यहाँ पे देखो, एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मतलब जो इंटेंसिटी हम बोल रहे हैं, जिसको हम कभी मैक्सिमम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कभी तो हम इसको मैक्सिमम बोल रहे हैं और कभी हम इसको मिनिमम बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम कब हो रही होंगी, कब हो रही होंगी, उसके लिए एक डेरिवेशन कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक सोर्स है S, यहाँ पे एक सोर्स है S, सॉरी ये S1, ये S2, इन दोनों से वेव निकल रही है, एक की जो वेव की इक्वेशन है वो है Y1 is equal to A sin omega t। अगर SHM पढ़ा है तो आप लोगों को ये पहले से आता होगा, अगर SHM पढ़ा है तो ये पहले से आता होगा, सो डरने की जरूरत नहीं है, याद कर लेना। Y1 is equal to क्या, A sin omega t, and Y2 is what, B sin omega t plus Y, हाँ जी, Y1 क्या है, Y1 is A sin omega t and Y2 is what, B sin omega t plus Y होता है, ठीक है। तो मतलब आप लोग एक चीज देखो कि इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड बी है, मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, और ये जो फाई है ये क्या है, देखो यहाँ पे ये ओमेगा टी, यहाँ पे ये ओमेगा टी, दोनों सेम थे बट ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है, तो ये एक तरह से फाई जो है वो एक तरह से कॉन्स्टेंट फेस डिफरेंस है, फाई जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट फेस डिफरेंस है, ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है, कॉन्स्टेंट फेस डिफरेंस है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देते हैं,
तो y इक्वल टू y1 लिखेंगे और इनको ऐड कर देंगे। लेकिन हमें इस चीज से डील नहीं करना, हमें एम्पलीट्यूड से देखना है। अब सुनो ध्यान से, अब ये एक वेव है जो कि जिसका एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ पे बना दिया, जिसको a लिख दिया। अच्छा, जो जिसका एम्पलीट्यूड b है वो कहाँ जा रही है, इससे फाई एंगल पे जा रही है। तो मैंने इधर बनाया फाई और बी बना दी, तो मतलब एक इधर जा रही है जो कि ए है और इधर जा रही है बी। अरे पैरेलोग्राम वेक्टर एडिशन लॉ लग जाएगा यहाँ पे, तो रिजल्ट इधर आ जाएगा। मतलब ए एम्पलीट्यूड जो है एक इक्वेशन का, बी एम्पलीट्यूड है जो एक दूसरी इक्वेशन का, उनका एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा जिसको हमने ए बोल दिया। तो इसको नाम दे देते हैं कि कितने एंगल पे है, ये थ्रीटा एंगल पे है। तो इसको तो हम सिंपल लिख सकते हैं ना, कैसे लिखते हैं भाई एम्पलीट्यूड को, हमने आर के फॉर्म में पढ़ा था, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस टू आर वन आर टू कॉस फाइव उसके ऊपर अंडर रूट, ऐसे कुछ पढ़ा था ना। ठीक है, वो वेक्टर्स में हम पढ़ते हैं, तो हम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ए को कैसे लिखेंगे, इसका ए है तो इसको हम ए स्क्वायर लिखेंगे, इसका बी है तो इसको बी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस टू ए बी कॉस फाइव और इसको करेंगे अंडर रूट, इसको क्या करेंगे अंडर रूट कर देंगे। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, जब भी हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो उसकी हमें क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन भी चाहिए होती है। हाँ जी, जब हम क्या निकालते हैं, जब हम निकालते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या कोई भी रिजल्ट निकालते हैं, चाहे वो एम्पलीट्यूड हो चाहे इंटेंसिटी हो, उसका कोई ना कोई एक एंगल होगा ना, तो ये एंगल थ्रीटा है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है भाई ये थ्रीटा कैसे निकालें, तो देखो ये बी है तो इधर भी क्या होगा, बी होगा। इधर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और इधर कौन सा एंगल होगा, थ्रीटा ही बनेगा, क्योंकि भाई ये एंगल जो फाई ये फाइव बनेगा, जो एंगल ये फाइव है वही एंगल यहाँ पे फाइव होगा, क्योंकि ये तो ए जा रहा है ना और ये बी है, क्योंकि ये पैरेलल होती है लाइन पैरेललोग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये वाली कौन आ जाएगी, बी साइन फाइव आ जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, डायरेक्शन के लिए हमेशा टेंजेंट निकालो, टेंजेंट इज व्हाट, पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद मतलब परपेंडिकुलर, हर हर बोले मतलब बेस, बी बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो यहाँ पे आएगा जिसको हम बी साइन फाइव बोल रहे हैं, और नीचे कौन है, ए तो यहाँ तक था ही, यहाँ पे कौन आएगा, वो आएगा बी साइन बेस है तो बी कोस फाइव लिखेंगे, तो ए प्लस बी हो गया, तो इसको लिख दिया। तो ये चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ते हैं, ये चीज़ें हम क्लास इलेवंथ वेक्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, मतलब पढ़ लेते हैं क्योंकि जब भी क्लास ट्वेल्थ में आते हैं ना। ठीक है, चलो, तो डायरेक्शन हो गई है। अब बात हुई, हमें तो ये देखना ना कि कब इंटेंसिटी मैक्सिमम है और कब मिनिमम है, ये चीज़ें तो देखनी है हमें। यस और नो बताओ जल्दी से फटाफट, हाँ जी बताओ बताओ जल्दी, खाते पीते रहा करो बीच में। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। अब क्या होगा, इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्केयर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केयर। ठीक है, तो अगर मुझे आई वन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखूंगा जो पहली, मतलब आई वन इज पहली वेव तो उसका एम्पलीट्यूड, दूसरा मैं लिखूंगा बी का स्केयर, अगर मैं इनको रिजल्टेंट के लिए लिखूं तो ए का स्केयर लिखूंगा। अच्छा, कॉन्स्टेंट इनके लिए सेम है, मतलब जो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है ना वो सबके लिए सेम है, के के के। तो मैंने पहले आई वन लिखा, फिर आई टू लिखा, फिर आई लिख दिया। अब ए स्केयर अगर मुझे निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आई वन बाई के आएगी, आई वन बाई के। ठीक है, स्केयर निकालना है, स्केयर तो आई वन बाई के आ जाएगी। अब के कॉमन है, इधर भी के आएगा, तो कॉमन आने की वजह से वो कट जाता है, तो इसलिए के को यूज ही नहीं कर रहे। तो इसलिए हमारे पास ए कितना हुआ, देखो सिंपल सी बात है, मैं इसको एस बी एस कर देता हूँ, एस बी एस मतलब ये ए स्केयर हुआ, ये हुआ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कोस फाइव हो गया। तो ये ए स्केयर इज व्हाट, आई, ये कितना हुआ आई वन, ये कितना हुआ आई टू, ये कितना हुआ टू अंडर रूट आई वन आई टू, और ये कोस फाइव हो गया। सिंपल है, बताओ इससे बढ़िया मिलेगा क्या कहीं, इतना आसान तरीके से हम कर रहे हैं। अच्छा, अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है, मतलब एम्पलीट्यूड अगर सेम है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए नोट है, तो हम एम्पलीट्यूड की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, इसकी डेरिवेशन नहीं आएगी, इसको याद कर लेना क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन जाता है, इसके ऊपर क्या बन जाता है बेटा, न्यूमेरिकल बन जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल बन जाता है। इसके बाद ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसके बाद वाई डी एस सी आएगा और डी फ्रैक्शन, मतलब हम कोशिश करेंगे कि एक घंटे थोड़ा 10-12 मिनट तक ये वन शॉट हो जाए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा बनाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारा कंटेंट जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब सुनो, तो ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला, और जब इनका एम्पलीट्यूड सेम है तो हम ए को ऐसे लिख सकते हैं, टू ए नॉट, ए नॉट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कोस फाइ कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस, नीचे टू हम लिखेंगे। अगर इंटेंसिटी सेम है मतलब मैक्सिमम है, आई नॉट मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ये क्या है, मैक्सिमम
इंटेंसिटी है ये, क्या है ये, मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्र फाई 2 लिखा जाएगा, मतलब यहाँ पे स्क्वेयर आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, मतलब दो दो करना है, दो का मतलब यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पे I नोट कर दो क्योंकि इंटेंसिटी के फॉर्म में लिख रहे हो, और यहाँ पे भी स्क्वेयर कर दो, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये दोनों फॉर्मूले एक बार याद कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब इंटेंसिटी इक्वल होगी या सेम होगी तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब कंस्ट्रक्टिव में क्या करना होगा हमें, अभी तो हमने इंटेंसिटी जो निकाल लिया वो फाइनल के लिए निकाल लिया ना, रिजल्टेंट के लिए निकाल लिया, अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए निकालते हैं। देखो बेटा, अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना है तो इसके लिए आई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, यस। तो एक बार मैं आई का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ व्हाट, आई वन का स्क्वायर, यही है ना, देखो ये रहा, आई वन का स्क्वायर नहीं है सॉरी, अंडर रूट से बाहर होगा, एक मिनट रुको, आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कोस फाइव, ये होगा ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब आई मैक्सिमम होना चाहिए, जब भी कोस आ रहा हो जब भी साइन आ रहा हो, तो मैक्सिमम मिनिमम निकालना बड़ा आसान हो जाता है। तो कोस फाई को कैसे लिखेंगे कि प्लस वन हो, तभी तो मैक्सिमम बनेगा। अरे भाई आई, ये आई मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो ये हमने लिख दिया ये। अच्छा, कोस फाई वन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फाई की वैल्यू वो या तो जीरो हो या टू पाई हो या फोर पाई हो, इस तरीके से होना चाहिए। मतलब आप इसको फाई इज इक्वल टू टू एन पाई से लिख सकते हैं। अरे भाई गलत थोड़ा बोल रहे हैं हम, अब एन की वैल्यू अगर मैं जीरो लिखता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा, एन की वैल्यू अगर मैं वन लिखता हूँ तो ये टू पाई हो जाएगा, अगर मैं टू लिखता हूँ तो चार पाई हो जाएगा, चार पाई सोने वाली नहीं, फोर पाई, ठीक है, फिर उसके बाद थ्री सिक्स पाई, मतलब एक तरह से इवन मल्टीपल चल रहा है पाई का, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास फेज डिफरेंस, फाई इज अ फेज डिफरेंस। अच्छा, अब ध्यान से सुनना सभी बच्चे कि भाई एक होता है पाथ डिफरेंस, मतलब एक वेव चली फिर दूसरी वेव आई, अब जरूरी तो नहीं है ना कि एक वेव और दूसरी वेव दोनों सेम डिस्टेंस कवर करके आई हूँ, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक फेज डिफरेंस होता है, सॉरी फेज नहीं, पाथ डिफरेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं डेल एक्स से। अच्छा, इसका एक रिलेशन होता है डेल एक्स का किसके साथ, फाई के साथ, फाई मतलब कॉन्स्टेंट फेज के साथ, तो वो होता है कुछ इस तरीके से, इसको एक बार देख लेना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको एक बार देख लेना कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाय टू पाई एंड इनटू में यहाँ पे क्या है, फाई है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना भाई, ये कंडीशन याद थी और इसके लिए निकाल लिया, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो। जैसे हमने इसको पुट किया यहाँ पे, तो ये बना लैम्डा टू पाए, यहाँ पे हुआ टू एन लैम्डा, सॉरी पाए, तो पाए से पाए कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो एन लैम्डा हो गया। तो जब भी पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होगा तो वो क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, वो क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। आई होप समझ में आ गई होगी। हाँ जी, जब भी आपका पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होगा किसके अंदर, इंटरफेरेंस के अंदर, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यही चीजें हम पुट कर देंगे यहाँ पे, इसको कोस फाई को अगर वन करें तो ये वन हो जाता है, और इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओपन करके देख लो ना, इसको इसको ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर अंडर रूट आई टू का स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू कोस फाई, फॉर्मूला तो वही बन रहा है जो हमने पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, सेम आप लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव मतलब मिनिमम इंटेंसिटी, हाँ जी, क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी होगा इसमें, क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी होगी इसके अंदर, ठीक है। अब मिनिमम इंटेंसिटी है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि कोस फाई की वैल्यू जीरो से कम भी हो सकती है ना, माइनस वन हो सकती है, तो माइनस वन कर दे, माइनस वन है तो फाई की वैल्यू कितनी हो सकती है, पाई पे होता है, थ्री पाई पे होता है, पांच पाई पे होता है, अरे पांच पाई का मतलब फाइव पाई, ठीक है, सेवन पाई होता है, मतलब ऑड मल्टीपल चल रहा है पाई का, तो ये चला गया। तो इसको क्यों ना हम एक्सप्रेशन में लिख दें, तो एक्सप्रेशन में हम लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा सुनो, हम इसको टू एन प्लस वन भी लिख सकते हैं, हम इसको 2n प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और अगर आप प्लस 1 लिख रहे हो तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे, लेकिन अगर माइनस लिख रहे हो तो आप n की वैल्यू 1 से शुरू करोगे, वो सेम है। अगर आप देखो प्लस लिख रहे हो और यहाँ पे अगर 0 नहीं लिख रहे हो, 1 से कर रहे हो, तो 1 करो 2 1 प्लस 1, तो ये तो 3 बन जाएगा ना, तो 3 से शुरू होगा, बट पाई भी तो है, तो इसलिए 0 से शुरू होगा अगर आप प्लस लगा रहे हो, अगर आप प्लस नहीं लगा रहे हो तो 1 से शुरू होगा, ये देखो 1, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस की रिलेशन लिखेंगे, फाई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास डेल एक्स आ जाएगा ये, और जैसे ही डेल एक्स आता है तो हमें पता लग जाता है कि जब इस तरीके का डेल एक्स हो, मतलब इस तरीके का पार्ट डिफरेंस अगर होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा, वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। समझ में आया,
चलो तो मिनिमम इंटेंसिटी को लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस ये फर्क है। अच्छा एम्पलीट्यूड को कैसे लिखेंगे, ए वन प्लस ए टू और यहाँ पे ए वन माइनस ए टू लिखेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इनका रेशो निकालना चाहते हो तो आप रेशो कैसे लिख सकते हो, सिंपल है भाई। अगर एक फॉर्मूला आई वन प्लस आई टू का स्केयर है और दूसरा फॉर्मूला आई वन अंडर रूट माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्केयर है तो उनको डिवाइड करेंगे तो यही लिखा जाएगा ना, ठीक है। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, मतलब एक नोट बना के लिख लो, नोट कोई पाँच का दस का नहीं है, ये नोट दिमाग में बनाना है, फिजिक्स में बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से, फॉर इंटरफेरेंस फिनोमिना टू टेक प्लेस सोर्सेज मस्ट बी कोरेंट। मतलब यहाँ पे आके मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोल दी आप लोगों के लिए कि भाई इंटरफेरेंस फिनोमिना होने के लिए सोर्सेज जो होने चाहिए वो कोहरेंट होने चाहिए। सोर्सेज कैसे होने चाहिए, कोहरेंट होने चाहिए। तो कोहरेंट का मतलब क्या है भाई, अभी हमने जब शुरुआत करी थी इंटरफेरेंस की तो हमने एक चीज़ बोली थी, फ्रिक्वेंसी हैविंग जीरो, कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस और साइमल्टेनियसली चलेगी, सेम डायरेक्शन में जाएगी, ये सब चीज़ें, ठीक है, जिस सोर्स के लिए होंगी। मतलब कोहरेंट सोर्स क्या होगा, द सोर्सेज ऑफ लाइट एमिटिंग ए लाइट, मतलब एक लाइट निकाल रहे होंगे जिनके पास सेम वेवलेंथ होगी, मतलब एक सोर्स है। अच्छा एक सोर्स, सिंगल सोर्स होगा, मान लो ये एक सोर्स है, ये सोर्स है, इससे लाइट निकल रही है, ये एस वन ये एस टू, ये कोहरेंट होगा, ठीक है। इससे ही निकलने वाली जो लाइट होगी वो सेम वेवलेंथ की होगी, सेम फ्रीक्वेंसी की होगी और जीरो कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस की होगी। किसकी होगी, जीरो कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस की होगी, कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस की होगी, जीरो कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस की होगी। तो इसे बोला जाता है क्या बेटा जी, कोहरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। मतलब तुमसे कोई पूछे कि इंटरफेरेंस कब होता है तो सोर्सेज मस्ट बी कोहरेंट, कोहरेंट क्या होते हैं वो बता दिया कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट फेज से होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। हाँ जी एम्पलीट्यूड भी हम क्या बोलेंगे कि सेम होने चाहिए, ये भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो भाई 1801 में जो यंग्स थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था और वेव थ्योरी ऑफ लाइट को एक तरह से सिद्ध कर दिया था, ठीक है। मतलब इसके बाद भी एक्सपेरिमेंट हुए, 1850 में फोकाल जी ने किया, बट यंग जी ने पहले ही काम तमाम कर दिया था, करके दिखा दिया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सोर्स लेते हैं एस, जो कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब है सिंगल कलर, क्या है, सिंगल कलर लाइट, या फिर सिंगल कलर है तो सिंगल वेवलेंथ होगी, क्या होगी, सिंगल वेवलेंथ होगी। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अगर तुमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझ लिया तो डिफ्रैक्शन समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, डिफ्रैक्शन समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सोर्स ले रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ पहले, थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ भड़ाक हो गया यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक सोर्स ले रहा हूँ, ये एक सोर्स है एस जो कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। क्यों, क्या होता है मोनोक्रोमेटिक, सिंगल कलर लाइट या सिंगल वेवलेंथ। अब यहाँ पे ये एक स्लिट लगाई है जिसके अंदर दो होल हैं और ये होल ऐसे होते हैं जैसे कोई गत्ता होता ना, कार्डबोर्ड होता है, उसके अंदर कोई ब्लेड से हम निशानी कट मार देते हैं तो इतना पतला वो निशान होता ना, होल होता है, उतने पतले ही होते हैं। तो मतलब यहाँ ये सोर्स S1 बना और ये S2 बना, एक सिंगल सोर्स से जो दो सोर्स बनेंगे वो कोहरेंट बनेंगे, वो ही कोहरेंट बनेंगे। और यहाँ पे भी तो इंटरफेरेंस हो रहा है एक तरह से, क्योंकि यहाँ से वेव निकलेगी, यहाँ से वेव निकलेगी और मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इन दोनों के बीच में S1 एंड S2 के बीच में जो डिफरेंस है वो है कितना, डी। ये एक डबल स्लिट बोला जा रहा है, अगर किसी में एक ही होल है तो उसको सिंगल स्लिट बोला जाएगा। ये एक स्क्रीन है जिसके ऊपर हमें क्या मिलता है, पैटर्न मिलता है। हाँ जी ये एक स्क्रीन है जिसके ऊपर हमें क्या मिलता है, पैटर्न मिलता है। तो ये पैटर्न हो गया आप लोगों के लिए, इतना भी समझ में आ गया, ठीक है। देखो ये सोर्स का सेंटर है तो हमने यहाँ पे एक सेंटर लिख दिया ओ, ये इस सोर्स से लाइन लगा दी, ये इस सोर्स से लाइन लगा दी, ठीक है। अब यहाँ से जो लाइन निकल रही है ना, मतलब जो वेव निकल रही है, हमने ये मान लिया कि वो पॉइंट पी पे जाके मिल रही है, ये पॉइंट पी पे जाके मिल रही है। और ये भी मान लिया कि जो पॉइंट पी है वहां पे हमें, वहां पे हमें जो पॉइंट पी है वहां पे हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। वहां पे हमें क्या मिल रहा है बेटा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब कि भाई वहां पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, ब्राइट फ्रिंज मतलब वहां पे लाइट हमें ज्यादा मिल रही है, एक्सपोर्ट मिल रहा है लाइट का, जिसमें ज्यादा मतलब एक एरिया है जहां पे लाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये वेव पहले पहुंच जाएगी, ये वेव बाद में पहुंचेगी, ऐसा क्यों, क्योंकि इसको भाई ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, इसको कम डिस्टेंस कवर करना है। यस तो एक चीज देखो, अगर मैं यहां से
एक वेव भेज रहा हूँ, यहाँ से एक वेव भेज रहा हूँ, तो यहाँ से भी एक सेंटर से ऐसे इनका रिजल्टेंट बना सकता हूँ ना, बना सकते हैं। और इस रिजल्टेंट को मैंने थ्रीटा बोल दिया। अगर ये थ्रीटा है तो ये भी थ्रीटा होगा और ये भी थ्रीटा होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमें क्या निकालना है, पार्ट डिफरेंस निकालना है भाई। ये होगा पार्ट डिफरेंस, क्योंकि ये रे इतना चल रही है और ये रे इतना चलने के बाद ये एक्स्ट्रा भी तो बच रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है ये पोर्शन, इसको बोलते हैं पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डेल एक्स एस टू पी माइनस एस वन पी, तो लिख दिया। अब ये जो एस टू ये है, एस टू क्या है, यहाँ पे कोई भी नाम लिख दो, एस टू पी माइनस एस वन पी, इसको कुछ भी नाम दे दो, यहाँ पे ए बी सी डी जो लिखना चाहते हो लिख दो। अब सुनना ध्यान से भाई, ये अगर थ्रीटा है तो ये भी थ्रीटा होगा, और ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थ्रीटा होगा, तो ये कितना बनेगा, कॉमन सी बात है कि थ्रीटा बनेगा। अरे भाई ये अगर थ्रीटा, ये 90 माइनस थ्रीटा, तो ये कितना थ्रीटा, सिंपल बात हुई ना। चलो तो ये थ्रीटा हो गया, तो इसका मतलब इस थ्रीटा के सामने इट इज़ परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटिनस। अब मुझे पार्ट डिफरेंस निकालना है, मतलब ये निकालना है, तो ये मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, अरे भाई सिंपल ऐसे निकाल सकता हूँ, कैसे, साइन लिखूंगा, साइन इज व्हाट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पी बाय एच, पी कौन है, पी मतलब ये पार्ट डिफरेंस हम बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, पार्ट डिफरेंस, डेल एक्स बोल दिया। नीचे ये हाइपोटेन्यूज जो कि डी है, तो मतलब डेल एक्स इज व्हाट, डी साइन थ्रीटा। आई होप समझ में आ गया होगा कि डेल एक्स कैसे निकाला है, डी साइन थ्रीटा हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमें ये चीज़ भी पता लगी है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जब भी होगी तो हमें पता है कि डेल एक्स इज एन लैम्डा होगा, हाँ। तो भाई अभी हम किसके साथ डील कर रहे हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ डील कर रहे हैं, मतलब हम ब्राइट फ्रिंज के साथ डील कर रहे हैं, किसके साथ डील कर रहे हैं, ब्राइट फ्रिंज के साथ हम डील कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा डी साइन थ्रीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन की वैल्यू वही 1 2 3 जीरो से शुरू हो जाएगी, 1 2 3 तक जाएगी, मतलब आगे तक भी जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि जो साइन थ्रीटा है बेटा, हमने एक बात बोली थी यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है डी और ये जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस कैपिटल डी, ये ऐसा होता है कि कैपिटल डी बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल डी। इसका मतलब ये और ये सोर्स बिल्कुल पास होते हैं, मतलब यहाँ और यहाँ, अगर इनसे रेज जाएंगी तो ऐसा लगेगा जैसे कि वो इक्वल, मतलब पैरलर है एक तरह से, क्या है, पैरलर है, हमें ऐसा ही लगेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एंगल की बात करें, अगर वो स्मॉल है तो साइन थ्रीटा को हम टेन थ्रीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, साइन थ्रीटा को टेन थ्रीटा लिख दिया। अब टेन थ्रीटा कैसे निकलेगा भाई, ये रहा थ्रीटा, ये रहा एक ट्रेंगल, ये सेंटर है ओ और ये पोजिश पॉइंट है पी, जहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है। ब्राइट फ्रिंज का मतलब ये है कि सेंटर से इतने डिस्टेंस पे जाके मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, सेंटर से मुझे पॉइंट पी पे जाके मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, ये बात कह सकते हैं हम, यस। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेन थ्रीटा जो हो गया वो वाई बाय डी हो गया, क्यों, क्योंकि देखो ना ये थ्रीटा है, तो थ्रीटा इज व्हाट, टेन को कैसे लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज दिस, बेस इज दिस, सिंपल, तो इट इज वाई बाय डी। अब साइन थ्रीटा टेन थ्रीटा वाई बाय डी आ गया, तो इसके कुल कितना था, ये देखो भाई एन लैम्डा था, देखो ना डी हो गया और साथ में साइन थ्रीटा कितना आ गया, साइन थ्रीटा आप लोगों के पास आ गया वाई बाय डी, तो डी वाई बाय डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। मुझे क्या निकालना है, वाई निकालना है, एंड वाई को क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं, सो इट इज एन लैम्डा, नीचे स्मॉल डी और यहाँ पे कैपिटल डी। तो ये आ गया मेरे पास क्या, एनथ ब्राइट फ्रिंज आ गई, क्या आ गई है, एनथ ब्राइट फ्रिंज आ गई है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और ये केस हमने किसके लिए किया है बेटा जी, ये केस हमने किया है ब्राइट फ्रिंज के लिए, किसके लिए किया है, ब्राइट फ्रिंज के लिए किया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डार्क के लिए, तो वही चीज है, डार्क में क्या होता है कि जो पार्ट डिफरेंस होगा वो ये होगा, ठीक है। तो वही देखो ना, अभी यहीं से शुरू कर लेते हैं ना, यहीं से, तो पार्ट डिफरेंस डी साइन थ्रीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे कि डी साइन थ्रीटा इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। अब साइन थ्रीटा इज व्हाट, टेन थ्रीटा, जिसकी वैल्यू वाई बाय डी है, 2n-1 लैम्डा बाय 2, यही है ना, ठीक है। तो यहाँ से वाई निकाल लो, तो वाई कैसे निकालेंगे, तो वाई आ जाएगा दिस, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑड मल्टीपल आ रहा है, एन की वैल्यू 1, अच्छा प्लस माइनस दोनों साइड, मतलब ये जो स्क्रीन है ना, ये वाली जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे हमें
इस साइड भी इंटेंसिटी मिलेगी, मतलब इस साइड भी ब्राइट डार्क मिलेंगे और इस साइड भी मिलेंगे, मतलब बराबर मिलने वाले दोनों साइड। तो आई होप कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस चीज़ों को याद रखना है कि इसकी जो पोजीशन होगी वो कहाँ मिलती है, 2n-1 लैम्डा बाय 2 पे मिलती है। बस ये याद रखना कि लैम्डा बाय 2 पे मिलती है और जो ब्राइट फ्रिंज है वो n लैम्डा पे मिलती है, ये याद रखो। क्यों याद रखो? क्योंकि जो ग्राफ है वो इस तरीके से समझ में आएगा। मान लो मैं यहाँ पे इंटेंसिटी और इधर वेवलेंथ के मतलब पार्ट डिफरेंस के बीच में अगर बनाता हूँ, देखो पार्ट डिफरेंस क्या होता है, अगर मुझे डेल एक्स लिखना तो एन लैम्डा लिखूंगा, और अगर मतलब मैं ब्राइट के लिए तो एन लैम्डा लिख दूंगा, बट डार्क के लिए अगर मैं लिखूं तो 2n-1 लैम्डा बाय 2 लिखूंगा। तो इसका मतलब क्या है? वैसा तो देखो पोजीशन लिखनी चाहिए हमें, क्या लिखनी चाहिए? पोजीशन लिखनी चाहिए। तो यहाँ पे कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होगा, ये पोजीशन हम लिख सकते हैं, पोजीशन। ये भी पोजीशन लिख सकते हैं, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, पोजीशन। देखो जो हमारे पास डार्क है वो कहाँ पे मिल रहा है? वो मिल रहा है हमें लैम्डा पे। तो भाई यहाँ पे सॉरी ब्राइट कहाँ पे मिल रहा है? लैम्डा, 2 लैम्डा, क्योंकि एन की वैल्यू करते जाओ चेंज, 1, 2, 3, तो 1 लैम्डा 2 लैम्डा ऐसे कौन मिल रहा है? ब्राइट मिल रहा है। डार्क कहाँ पे मिल रहा है? लैम्डा बाय 2, मतलब ये 1 है और ये 0 है, तो बीच में मिलेगा कहीं, यस इसी तरीके यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप ये ग्राफ बना सकते हैं। अब बात हुई कि ये कितनी विड्थ की बनती है। देखो ये कौन है? फर्स्ट डार्क है। ये कौन है? सेकंड डार्क है, ठीक है। ये कौन है? फर्स्ट ब्राइट है और ये सेकंड ब्राइट है। तो मैं क्या करूँ, इन दोनों को डिफरेंस कर दूँ, जो एडजस्टेंट है मतलब एक साथ जो है, या तो इनको डिफरेंस निकाल दूँ या इनका डिफरेंस निकाल दूँ, तो वो आ जाएगा क्या, फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी। मतलब जो ये फ्रिंज विड्थ हमने बनाई है, मतलब जो पैटर्न हमने बनाया वो उसकी विड्थ आ जाएगी आप लोगों के पास। तो विड्थ कितनी होगी, जिसको W से लिखते हैं, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी से होगा, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अच्छा एक चीज़ खास है यहाँ पे कि ये जो होता है ये सेंट्रल मैक्सिमा होगा आप लोगों के पास, क्या होगा ये होगा आप लोगों के पास सेंट्रल मैक्सिमा, क्या होगा ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये होगा फर्स्ट ब्राइट मतलब फर्स्ट मैक्सिमा, मैक्सिमा ये सेकेंडरी मैक्सिमा, इस तरीके से दोनों साइड चलेगा, ठीक है। और जो इनकी विड्थ होगी वो इक्वल होगी एंड सेम इंटेंसिटी की होगी। ये कितनी की होगी? सेम इंटेंसिटी की होगी, ठीक है। सो आई होप कि अभी तक आप लोगों को ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैंने करवाया है ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है वेव ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा मैंने पहले एक बात बोली थी कि जिन बच्चों ने इंटरफेरेंस पढ़ लिया है, ठीक है, मतलब जिन बच्चों ने इंटरफेरेंस पढ़ लिया उनको डिफ्रैक्शन पढ़ते हुए दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सुनना ध्यान से, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, सुनना ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम डिफ्रैक्शन अभी पढ़ रहे हैं। इंटरफेरेंस में क्या था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी था और उसके हिसाब से हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी देख ली थी, बिल्कुल। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, सुनो भाई ध्यान से। मान लो ये एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, होना क्या था कि ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ कि ये कॉर्नर से बैंड हो गई, मतलब ये कुछ इस तरीके से मिली हमें कि देखो यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन था भाई, यहाँ से यहाँ तक ये तो हमारा शेडो रीजन होना चाहिए था, ये तो हमारा शेडो रीजन होना चाहिए था ना, ये शेडो रीजन होना चाहिए था, यस। लेकिन शेडो रीजन के अंदर भी हमें लाइट मिल रही है, लाइट मिल रही है, मतलब उस लाइट, एक सिंपल सा तरीका, मान लो ये एक ओपेक क्यू है, इसका कोई कॉर्नर है और यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ से एक सोर्स है, लाइट यहाँ से यहाँ जाएगी, पूरी लाइट मिलनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन कमाल क्या हुआ कि यहाँ पे लाइट मिली, इतना पोर्शन मिला उसमें भी लाइट मिली, मतलब शेडो रीजन के अंदर भी लाइट मिलेगी। तो शेडो रीजन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ बड़ा सा, बोले इसमें क्या होगा, ये डार्क, ये एक मिनट, ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ऐसे, मतलब मुझे लाइट मिलेगी, फिर डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, ब्राइट की विड्थ छोटी होती जाएगी और डार्क और बड़ा होता रहेगा, इस तरीके से। मतलब ये जो छोटा सा पोर्शन होगा, इतने से पोर्शन को मैंने यहाँ पे मैग्नीफाई करके रख दिया है। तो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आई होप समझ में आ गई होगी, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब बेंड हो जाना लाइट का, इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो, शेडो रीजन जो मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर भी लाइट मिल रही है, एंड वो जो लाइट मिल रही है उसके अंदर पैटर्न मिलेंगे अलग अलग। एंड देखो यहाँ पे ये जो विड्थ है ये एक जगह ज़्यादा है, फिर कम है, यहाँ पे और कम है, क्योंकि यहाँ पे शुरू में लाइट आ रही है तो जाते जाते अंधेरा हो गया ना, तो इसलिए डार्क हो रही है,
बड़ी हो रही है और ये राइट छोटा होता जा रहा है, समझ में आ गया होगा। तो ये होते हैं हमारे पास दो, डिफ्रेक्शन एंड, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे इंटर यंग डबल स्लिट में ये एक सोर्स है, बट यहाँ पे मल्टीपल सोर्स होंगे, यहाँ पे क्या होंगे मल्टीपल सोर्स होंगे भाई, क्या होंगे यहाँ पे मल्टीपल सोर्स होंगे यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे क्या होंगे मल्टीपल सोर्स होंगे, बाहर शायद बारिश आ गई है मुझे ये लग रहा है, ठीक है। तो ये है फ्रेशनल क्लास, सॉरी क्लास, चलो हाँ ये क्लास ही बोला जाएगा। डिफ्रेक्शन दो तरीके के है, एक फ्रेशनल क्लास है और एक फ्रॉनहोफर क्लास है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन एक बार देख लेते हैं। इसमें जो सोर्स होगा वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, मतलब ये अगर मैंने स्लिट लगाई है तो इससे जो सोर्स होगा वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, इसमें सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा फ्रॉनहोफर में, इसमें कोई भी ऑप्टिकल्स आपको रिक्वायर्ड नहीं होता है, और इसमें आपको ऑप्टिकल इन द फॉर्म ऑफ कॉलिमेटिंग लेंस, मतलब जो रेज को इकट्ठा करे पैरलर कर दे, वो सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे यूज़ करनी हो, मतलब यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना होगा, क्या यूज़ करना होगा कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रिंजेस होती हैं वो शार्प नहीं होती हैं और अच्छी नहीं होती, मतलब अच्छी नहीं, मतलब वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, ब्लरी सी होती हैं, यहाँ पे जो फ्रिंजेस हैं वो शार्प होती हैं और वेल डिफाइंड होती हैं, कैसी होती हैं वेल डिफाइंड होती हैं। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं, फ्रेशनल वर्ड, इसमें सोर्स फाइनाइट होता है, फाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इसमें ऑप्टिकल रिक्वायर्ड नहीं होते, इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ता है, और इसमें जो है आप लोगों के पास फ्रिंजेस शार्प नहीं होते और अच्छे डिफाइंड नहीं होते, मतलब ब्लरी से होते हैं, और इसमें शार्प होते हैं और वेल डिफाइंड भी होते हैं, इतनी चीज़ समझ में, ठीक है। अब डेरिवेशन जो है बेटा वो आप लोगों को ना, मैं ये पेज मैंने क्यों छोड़ा है, वैसे मैंने ऐड करा था यहाँ पे, समझा दिया, चलो कोई नहीं। अब सुनो, यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखो मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे एक स्लिट हमने ली और इस स्लिट के अंदर देखो ये पॉइंट्स बने हुए हैं, ये पॉइंट क्या हैं, ये सोर्स हैं लाइट के, ये भाई सोर्सेज ऑफ लाइट वेव हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट वेव हैं, समझ रहे हो इन चीज़ों को, क्लियर है, ओके। तो ये M1 M2 M3 इस तरीके से हम डिवाइड कर रहे होंगे, हम देखेंगे कि लाइट सीधी भी जा सकती है, तो जो सीधा होगा वो हमारा क्या होगा सेंट्रल मैक्सिमा होगा, क्या होगा सेंट्रल मैक्सिमा होगा, और इधर उधर जो लाइट जाएंगी वो उसके बाद सेकेंडरी होगी। क्या डिफरेंस होता है इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के बीच में, कि यहाँ पे जो पैटर्न की इंटेंसिटी होती है वो लगातार घटती रहती है, सेम इंटेंसिटी का नहीं होता है, और जो सेंट्रल है उसकी विड्थ जो होती है वो डबल होती है, यहाँ पे जो विड्थ होती है बेटा, यहाँ पे विड्थ एक ही टाइम में, लेकिन यहाँ पे जो विड्थ होगी ना, यहाँ पे जो भी पैटर्न मिलेगा वो डबल होगा, मतलब इधर और इधर दोनों साइड मिलता है तो वो डबल होता है, एक्चुअल जो हमारी विड्थ होती है ना उसका डबल। तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे हमने लिखा ए साइन थीटा, क्यों, क्योंकि देखो मान लो ये रे गई इधर से, एक रे गई, सेम वही कॉन्सेप्ट है पहले वाला, ये हो गया, अगर ये ए है, कॉमन सी बात है कि अगर यहाँ पे थ्रीटा है तो आप ये चीज़ निकाल सकते हो, पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हो, यस तो ये ए साइन थ्रीटा आएगा, यस तो इसको छोटा कर लो तो ये आ गया ए साइन थ्रीटा। अब सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला था कि इसमें सोर्सेज होते हैं, तो बेटा होगा क्या, हमें इनको ना डिवीजन करनी पड़ती है, डिवाइड करना पड़ता है सोर्सेज को वेवलेंथ के हिसाब से, टू एस्टेब्लिश द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, मतलब अगर आप लोगों को मिनिमा चाहिए तो जो स्लिट है उसको 2, 4, 6 मतलब ऑड नंबर में आपको डिवाइड करना होगा, या तो 2 में करो या 4 में करो या 6 में करो या 7 में करो, मतलब अगर ये पूरा वेवलेंथ है लैम्डा, अगर 2 में करो तो λ/2, ये λ/2, अगर 4 है तो λ/4 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 और λ/4। तो होगा क्या कि भाई अगर λ/2 है और λ/2 है तो ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, अरे भाई λ/2 को कैंसिल ही तो करेगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं मिनिमा। तो λ/2 और फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा द स्लिट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2n, मतलब इवन का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो कितना भी हो सकता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से, ठीक है समझ में आ गया होगा। चलो अगर हम सेकेंडरी मिनिमा कर रहे हैं पढ़ के आया, तो उसमें हमने देखा पार्ट डिफरेंस इज व्हाट, ए साइन थ्रीटा। अच्छा अगर ए साइन थ्रीटा हमने पार्ट डिफरेंस देखा है, लेकिन अगर मैं इसको जब डिवाइड करूँ दो पार्ट में, तो ये ए बाई टू और ये भी ए बाई टू है भाई, अगर मैं ये ए बाई टू लिख रहा हूँ और ये ए बाई टू लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस उसमें भी ए बाई टू आएगा, यस तो इनको इक्वल किया क्योंकि पार्ट डिफरेंस इतना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें आ गया
मिनिमा के लिए कंडीशन। साइन थीटा को आप फिर से निकाल सकते हैं वही वाई करके, यहाँ पे डी निकाल के वही वाई बाई डी कर सकते हैं, बट हमें जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा चाहिए तो मैक्सिमा के लिए हमें क्या करना होगा, ऑड में डिवाइड करना होगा। मतलब अगर मैं 3 और 5, 7 इस तरीके से डिवाइड करूंगा, मान लो 100 हैं, तो अगर मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करूँ तो मैं 33 33 33 कुछ ऐसा करूँगा, तो उसके केस में कितना होता है? देखो इंटरफेरेंस में मैक्सिमा कहाँ होता था, एन लैमडा पे होता था, बट यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे मिनिमा होता है। बट ये रट्टा नहीं मारना है, समझ के करना है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा किस में है भाई, 2n+1 लैमडा बाई 2, ठीक है, और एन की वैल्यूज 1 2 3 इस तरीके से चलने वाली है। रट्टा क्यों नहीं मारना, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो जब पैटर्न आप लोगों को मिलेगा तो पैटर्न यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म, तो ये पहला डार्क मतलब पहला मिनिमा सेकेंडरी मिनिमा, तो ये मैक्सिमा यहाँ पे मिल रहा है। तो कितने नंबर पे मिलेगा ये, 5 लैम्डा/2 पे मिलने वाला है। कितने पे मिलेगा, 3 लैम्डा पे मिलेगा, 3 लैम्डा पे। तो मुझे पहला सेकेंडरी मैक्सिमा, मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा पहला नहीं बोलेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा मुझे कहाँ पे मिल रहा है, 3 लैम्डा/2 पे मिल रहा है, मतलब यहाँ पे मिल रहा है। ये तो सेंट्रल मैक्सिमा हुआ, ठीक है। और इसकी जो विड्थ होती है बेटा, जो हमने पहले पढ़े हैं, जैसे पहले पढ़ा था लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो यहाँ पे डी इज ए हो चुका है और ये 2 टाइम्स होगा। क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, ठीक है। अगर एंगुलर की बात करें तो ये होने वाला है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और ये सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो डिस्टेंस होता है किस किस के बीच में, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम ऑन आइदर साइड, यहां से यहां तक के बीच का। ओके, तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर डिफरेंस की बात करें तो बेटा जी इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के बीच में आप देख सकते हैं, इसमें सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव और होता है, इसमें बेंडिंग होता है जो एजेस होते हैं उनके अराउंड में, इसमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव होता है 2 कोहेरेंट सोर्सेज से, सुपरपोजिशन वेव फ्रंट एमिटेड फ्रॉम वेरियस पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, इक्वली स्पेस्ड होती है फ्रिंजेस, यहाँ पे अनइक्वली स्पेस्ड होती है, अलग देखो ना, इक्वली स्पेस्ड नहीं है ना, ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है, इक्वली स्पेस्ड फ्रिंजेस और यहाँ पे अनइक्वली स्पेस्ड फ्रिंजेस। इंटेंसिटी ऑफ ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस इज ऑलमोस्ट सेम, मतलब सबकी सेम होती है इंटरफेरेंस में, इसमें सेम नहीं होती है, घटती जाती है। क्या होती जाती है बेटा, घटती जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेन होती है, मतलब वहाँ पे देखो यहाँ पे हमें लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिले थे यहाँ पे, क्योंकि मिलते जाएंगे लंबे टाइम तक, लेकिन यहाँ पे जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, तो लेस नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेंड होते हैं, ठीक है। चलिए तो बेटा ये था हमारा वन शॉट, ठीक है। किस चीज़ का वन शॉट था, ये वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट था ये, ठीक है। किसका था, वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट।